दोस्तों नीट 2020 का रिजल्ट आ चुका है और आप सबने चेक कर ही लिया होगा। इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। जब एग्जाम लगी थी उसके बाद में मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, वो किया था 590 से लेके 600 तक। लेकिन अब जब रैंक और मार्क्स देख रहे हैं स्टूडेंट के, तो वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए मैं ये सोचता हूं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो 612 मार्क्स जाएगी, यानी कि हर कैटेगरी में पिछली बार की बजाय 30 मार्क्स ज्यादा जाने की संभावना है। 30 मार्क्स ज्यादा जाएगी क्योंकि 611 वाले स्टूडेंट का कैटेगरी देखते हैं तो 15,000 उसकी रैंक आ रही है, और 613 की जब हम रैंक देख रहे हैं तो 13,000 रैंक आ रही है। तो इसको देखते हुए पिछली बार का जब हम ये पूरा एनालिसिस करते हैं तो इस बार 30 मार्क्स ज्यादा जाने से अभी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। अभी इसमें 612 की बात करें तो ये कट ऑफ जा सकती है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया 15% कोटा की। तो इसमें ये तीनों की कट ऑफ सेम सी रहती है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, लेकिन वो जब जनरल की सीटें खाली होती हैं तो जनरल की सीट ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए हम एक ही कट ऑफ मानते हैं इनकी। अब इसके बाद में हम बात करें एससी कैटेगरी की, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार 463 कट ऑफ रही थी, तो इस बार हम इसमें 30 मार्क्स जोड़े तो 493 इसकी कट ऑफ रह सकती है एससी कैटेगरी की। इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी की बात करें हम, तो एसटी कैटेगरी की पिछली बार 445 कट ऑफ रही थी, तो इसमें अगर हम 30 मार्क्स एड करते हैं तो ये 475 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। इसमें अगर आपने कॉलेज वाइज कट ऑफ चेक करनी है, स्टेट की भी कॉलेज वाइज कट ऑफ चेक करनी है, तो मैंने जो बुक अपलोड कर रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो उसमें आप बुक डाउनलोड करेंगे तो कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी हुई है, उसमें ये आप 30 मार्क्स एड करेंगे तो आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ मिल जाएगी। आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन कौन सी कॉलेज में हो सकता है आपके मार्क्स के अनुसार। तो जो स्टेट की बुक है उसमें भी सभी कॉलेज की कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखी है, और इसमें जो ऑल इंडिया कोटा की बुक है उसमें भी सभी कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखी है, तो उसमें आप 30 मार्क्स एड करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस बार आपको कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। अब हम बात करें ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड की। तो दोस्तों ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें तो इस बार ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 620 से लेके 625 मार्क्स तक जा सकती है। 620 से 625 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड की। स्टेट की बात करें हम, तो स्टेट में जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट हैं, जैसे राजस्थान का ले लेते हैं हम पहले, तो राजस्थान की कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से 2 से 3 मार्क्स डाउन जाने की संभावना है। तो अगर ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 612 रहती है तो राजस्थान स्टेट की 610 कट ऑफ रह सकती है। अगर ऑल इंडिया की 610 रहेगी तो राजस्थान की 608 कट ऑफ रह सकती है। अब बात करें हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तो इनकी 5 से 7 मार्क्स के बीच में कट ऑफ डाउन रह सकती है इन स्टेटों की। तो अगर ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 610 रहती है तो इनकी 605 या फिर 607 के नियर बाई इनकी कट ऑफ रह सकती है। ये मैंने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बताया है, बाकी जो बाकी अदर कैटेगरी के हैं उनमें आप 30 मार्क्स कम कर लें जो पिछली कट ऑफ गई हुई थी 2019 की। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कट ऑफ मैंने
रिंग को देखते हुए प्रेडिक्ट किया है। ये जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो सकता है। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि ये सब आइडियाज होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास रिंग आ गई तो नियर बाई कट ऑफ यही जा सकती है 612 के। 612 से 3 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी 615 भी हो सकता है और 610 भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बाकी वो मैं आपको चैनल पर देता रहूंगा। मैं आपको जैसे ही एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चॉइस फिल करनी है, तो इसके बारे में मैं चैनल पर आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। बाकी आप इंफॉर्मेशन हमारे बुक से भी ले सकते हैं, स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की बुक में भी मैंने अच्छी तरह से कट ऑफ, ट्यूशन फीस उसके बारे में भी बताया है, तो उसको डाउनलोड करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद।